थायरिस्टर फैमिली डिवाइसेस के अंतर्गत इस लेक्चर में हम लोग डायक के बारे में स्टडी करेंगे। डायक इज ए बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच दैट कैन बी टर्न ऑन इन बोथ द डायरेक्शन। डायक एक बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच है जिसे कि दोनों डायरेक्शन में टर्न ऑन किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें करंट का फ्लो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, एनोड से कैथोड की तरफ भी और कैथोड से एनोड की तरफ भी, इसलिए इसे बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस कहा जाता है। द नेम डायक कम्स फ्रॉम द वर्ड डायोड एसी स्विच। ये वर्ड डायक जो है वो डायोड एसी स्विच वर्ड से लिया गया है, यानी कि डायक जो है एक बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच है। इसका सर्किट सिंबल यहाँ पे आपको दिखाया गया है, तो इस सर्किट सिंबल में आप देख सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट टू टू डायोड्स कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल है, यानी कि इसका सर्किट सिंबल में आप देख सकते हैं कि ये आपका दो डायोड जो है वो एक एंटी पैरेलल में कनेक्टेड है और इसमें दो टर्मिनल्स हैं। टर्मिनल्स का नाम है टर्मिनल वन और टर्मिनल टू। तो इसमें जो है आपका करंट का फ्लो दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है, टर्मिनल वन से टर्मिनल टू की तरफ और टर्मिनल टू से टर्मिनल वन की तरफ, दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है, तो इसलिए इसे बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच कहा जाता है। तो इसका हम कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू जो है वो आपका इस प्रकार से होता है, जिसमें कि आपका PNPN के दो लेयर्स हैं। एक लेयर है आपका PNPN और दूसरा लेयर है PNPN-, यानी दो अल्टरनेट PN सेमीकंडक्टर का लेयर है और यही जो आपका इसका क्रॉस सेक्शन है, तो इसके आधार पे ये इसमें करंट का फ्लो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। तो अगर आपका जब टर्मिनल वन अगर पॉजिटिव रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल टू, अगर ये आपका पॉजिटिव है या हायर पोटेंशियल पे है विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल टू, तो करंट का फ्लो आपका टर्मिनल वन से टर्मिनल टू की तरफ होगा और उस केस में आपका ये लेयर जो है वो कनेक्ट करता है PNPN। उसी प्रकार से अगर जो टर्मिनल टू है अगर ये अगर पॉजिटिव होगा और टर्मिनल वन निगेटिव अगर होगा, तो उस केस में आपका ये वाला लेयर जो है PNPN- ये कंडक्ट करेगा और करंट का फ्लो आपका टर्मिनल टू से टर्मिनल वन की तरफ होगा। तो एक क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ डायक शोइंग ऑल इट्स लेयर एंड जंक्शंस इज शोन इन फिगर, यानी कि इस फिगर में आपका जो है एक डायक का क्रॉस सेक्शनल व्यू विथ जंक्शंस इसमें दिखाया गया है और ये जो है आपका सर्किट का सिंबल है जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो इसमें करंट का फ्लो आपका जो है वो आपका वन से टू या टू से वन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसे VA से डिनोट किया गया है, एनोड वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो इफ़ द वोल्टेज V12 विथ टर्मिनल वन पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल टू एक्सीड्स द ब्रेक ओवर वोल्टेज VB01, देन स्ट्रक्चर PNPN कंडक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि जो हमने टर्मिनल वन और टर्मिनल टू के बीच जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया टर्मिनल वन और टर्मिनल टू के बीच में, तो अगर टर्मिनल वन पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल टू और ये वोल्टेज जो है जो हमने अप्लाई किया V12 वोल्टेज, ये अगर ब्रेक ओवर वोल्टेज से VB01 ब्रेक ओवर वोल्टेज वन से अगर ज़्यादा है, तो आपका स्ट्रक्चर जो है जो हमने अभी दिखाया वो PNPN स्ट्रक्चर उसमें कंडक्ट करता है। इन केस टर्मिनल टू इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल वन, यानी कि अगर टर्मिनल टू अगर पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल वन, तो उस केस में आपका जब जो अप्लाइड वोल्टेज V21 है वो अगर ब्रेक ओवर वोल्टेज VB02 से ज़्यादा अगर होगा, तो उस केस में जो सेकंड स्ट्रक्चर है PNPN- वो कंडक्ट करता है। इट्स लीड्स आर इंटरचेंजेबल, यानी कि इसका जो लीड्स है टर्मिनल्स जो हैं वो इंटरचेंज किए जा सकते हैं, इसमें कोई एनोड कोई कैथोड फिक्स नहीं है, ये दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, इसलिए इसका लीड्स जो है वो आपका इंटरचेंजेबल है। इट्स टर्न ऑन वोल्टेज इज अबाउट 30 वोल्ट्स, तो इसको ऑन करने के लिए जो
वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो आपका अबाउट 30 वोल्ट्स के आसपास होती है। व्हेन कंडक्टिंग इट एक्ट्स लाइक ए लो रेजिस्टेंस विथ अबाउट 3 वोल्ट ड्रॉप अक्रॉस इट, यानी कि जब ये कंडक्ट कर रहा होगा, डायग जब कंडक्ट कर रहा होगा तो वो लो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, यानी कि आपका जब ये कंडक्ट करेगा तो आपका ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, लेकिन प्रैक्टिकल इसमें एक स्मॉल रेजिस्टेंस होगा तो लो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, और साथ ही साथ इसमें जो ड्रॉप हो सकता है वो अबाउट 3 वोल्ट के आसपास इसमें ड्रॉप इसके क्रॉस हो सकता है। व्हेन नॉट कंडक्टिंग इट्स एक्ट्स लाइक एन ओपन स्विच, और जब ये कंडक्ट नहीं कर रहा होगा, जब ऑफ स्टेट में होगा, उस केस में ये आपका ओपन स्विच की तरह काम करेगा, और जब कंडक्ट करेगा तो वो आपका एक लो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और उसके क्रॉस 3 वोल्ट का ड्रॉप हो सकता है। तो ये नॉर्मल डायोड की तरह है कि जब कंडक्ट करेगा तो एक स्मॉल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, और जब नहीं कंडक्ट करेगा तो ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। ए डायक इज समटाइम्स कॉल्ड गेटलेस ट्रैक, तो गेट को डायक को कभी कभी गेटलेस ट्रैक भी कहा जाता है, क्योंकि जो ट्रैक के बारे में जो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो दोनों में सिमिलरिटी ही है, बस वही है कि उसमें अगर डायक में से अगर गेट टर्मिनल को अगर हटा दिया जाए तो वो आपका डायक की तरह बिहेव करेगा, तो इसलिए इसको गेटलेस ट्रैक भी कहा जाता है। ये आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स है डायक का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स थायरिस्टर का होता है उससे मिलता जुलता कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इसमें आपका कोई गेट टर्मिनल नहीं होता है, इसलिए इसका जो कंट्रोल जो है वो नहीं हो सकता है, ये अनकंट्रोल डिवाइस है। तो जब अगर टर्मिनल वन अगर पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल टू, तो उस केस में जो हमने फॉरवर्ड वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया, जो हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो वो फॉरवर्ड एनोड वोल्टेज अगर ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा अगर होगा तो आपका ये करंट कनेक्ट करता है, और अगर कम वोल्टेज है, ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम वोल्टेज है, तब तक ये आपका ब्लॉक करके रखता है। उसी प्रकार से अगर टर्मिनल टू अगर पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू वन, तो उस केस में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी टर्मिनल टू से वन की तरफ फ्लो होगा, और जब अप्लाइड वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर ब्रेक ओवर वोल्टेज जो एनोड वोल्टेज है वो अगर ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो आपका करंट फ्लो करता है, अदरवाइज ये करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। यानी कि जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ से पता चल रहा है कि डायक दोनों ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सकता है, लेकिन डायक जो है एक अनकंट्रोल डिवाइस है, इसमें कोई गेट टर्मिनल नहीं है, इसलिए ये अनकंट्रोल डिवाइस है। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका एप्लीकेशन जो है ट्रिगरिंग ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए किया जाता है, ट्रैक के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। स्टार्टर सर्किट फॉर फ्लोरोसेंट लैंप, जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसके स्टार्टर सर्किट में इसका उपयोग किया जाता है, और लाइट डिमर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने डायक के बारे में डिस्कस किया, अगले लेक्चर में हम लोग ट्रैक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।